पसंद कर रहे हैं। हम मस्जिदों में अल्लाह अकबर कहते हैं, मेहराब में अल्लाह अकबर कहते हैं, मुसल्ले पर अल्लाह अकबर कहते हैं, अल्लाह अकबर का माना समझते हैं, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह हमारा रब है यही कहते हैं ना। लेकिन कुरान ने कहा उनके लिए खौफ है जो सिर्फ ये करके गुजर जाते हैं कि अल्लाह हमारा रब है। अल्लाह ने इस आयत पर अमल करके दिखाया है, सिर्फ ये नहीं कहा कि अल्लाह हमारा रब है। की घटना को क्या कहेंगे जब इजराइल पे हमला हुआ था, वहाँ के महिलाओं को नंगे नंगा करके घुमाया जा रहा था, कोई एक ऐसा हुआ दिखाइए कि महिलाओं के साथ ऐसा हुआ। हम पूरी दुनिया ने देखा उस तस्वीर को। मीडिया यही तो चाहता है, अमेरिका यही तो चाहता है कि हम पूरी दुनिया में सुपर पावर बने, तो जो नहीं दिएगा वो नाच दिखा लो। क्योंकि मीडिया को अपने तरीके से हम इसराइल पे हमला हुआ, वो अपने देश को स्वतंत्र कराना चाहते थे ना, हिंदुस्तान को हमने आज़ाद कराया कि नहीं कराया। अंग्रेजों ने यहाँ कब्जा किया था तो मैंने हिंदुस्तान को आज़ाद कराया कि नहीं कराया, क्या हम आतंकवादी थे भाई? अगर सीरिया में इसराइल के लोग आके कब्जा किए हैं तो वो अपने देश को आज़ाद नहीं कराएंगे, वो जुल्म कर रहे हैं। आप मेरे देश में आके मेरे ऊपर हुकूमत करेंगे तो हम अपने देश को खाली नहीं कराएंगे। तो उन्होंने अपने देश को खाली करने के लिए हमला किया था। कौन जुल्म किया था आपके साथ, वो उनका मामला था, उसने किसको बोलना नहीं कहता। हाँ, मैं दुनिया के हर उस मज़हब का एहतराम करता हूँ जो बच्चों के जुल्म पर बोलता है, जो औरतों के जुल्म पर बोलता है, जो गरीबों के पे होने वाले। लेकिन लेकिन बड़ी बात यह है कि भारत का जो स्टैंड है वो इजराइल के साथ है। देखिए अब मुल्क का क्या है मैं नहीं जानता। मीडिया यहाँ दिखा रही है कि नसरुल्लाह साहब, मीडिया नहीं, ये भारत के जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं उनका ही स्टैंड है। लेकिन कहीं भी अभी तक मैंने नहीं पढ़ा कि हिंदुस्तान के किसी प्रशासनिक अधिकारी ने ये बयान दिया हो कि आतंकवादी। हमें दिखा दिए एक भी बयान किसी प्रशासनिक अधिकारी के, मैं बात कर रहा हूँ। मैं नसरुल्लाह को आतंकवादी कौन कह रहा है, हम ये कह रहे हैं मीडिया कह रही है, मीडिया भारत सरकार का स्टैंड इजराइल के साथ है। वो देश देश का मामला है, मैं उससे ज़्यादा बात नहीं करता। ये हमारे देश का मामला है, मैं उसके साथ हूँ, वो एक अलग मसला है। मगर मैं सिर्फ पूछना चाहता हूँ मीडिया से, मीडिया किस अंदाज में उसके पास यह है कि ये दहशतगर्द है। भाई गूगल के अंदर पूरी लिस्ट दहशतगर्दों की है, उसमें नसरुल्लाह साहब का नाम नहीं है। तो आप किस हद से इसको उनको दहशतगर्द कर रहे हैं? मैं मीडिया से एक बात कहना चाहता हूँ, अगर ये अपना स्टैंड नहीं चेंज करे तो हो सकता है कि हिंदुस्तान के लोग बहुत जल्द मानहानि का दावा भी करें। What the